नमस्कार, आज मेरे पापा बनाने जा रहे हैं पनीर मंचूरियन। देखिए, आपको जोया ने जैसे बताया, आज मैं पनीर मंचूरियन बनाने जा रहा हूँ और उसके लिए कुछ पनीर के क्यूब्स मैंने काटे हैं। आंचल पनीर है ये, इसके क्यूब्स काटे हैं। देखिए, साथ ही लिया है करीब 2 बड़े चम्मच अरारोट, अरारोट का ये पाउडर लिया है 2 चम्मच, और साथ में लिया है 1 बड़ा चम्मच मैदा और 2 छोटे चम्मच लिया है सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच लिया है साथ में सिरका, यह है चिली विनेगर, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक लिया है, और साथ में लिया है थोड़ी सी लाल मिर्ची। हमने जो बैटर तैयार किया है इसका बहुत गाढ़ा तैयार किया है ताकि पनीर को उसमें डिप किया जा सके और आराम से तला जा सके। अरारोट की जगह कई लोग कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने अरारोट यूज़ किया है ताकि थोड़ा कुरकुरापन उसका बरकरार रहे। इस मिश्रण में अरारोट है, मैदा है, हल्दी है, थोड़ा नमक है, लाल मिर्च, सब्जी मसाला डाला है, और ये पनीर के क्यूब्स आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। अब हमने एक छोटे बर्तन में तेल रख दिया है, जो कि तेल है मूंगफली का तेल, और मूंगफली का तेल अच्छा रहता है ऐसी चीज़ें तलने के लिए, हल्का रहता है। और इसमें ख़ास बात है कि हमने छोटा बर्तन लिया है ताकि कम तेल लगे, क्योंकि एक बार गर्म किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। ये बैटर थोड़ा मैंने गाढ़ा बनाया था, इसलिए अब इसे आसानी से तला जा सकता है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये तले जा चुके हैं, इनका तला हुआ स्वरूप हम देख सकते हैं। ये पनीर जो बैटर हमने बनाया था उसके बाद करीब 2 से 3 मिनट तक हमने इसे तला है, डीप फ्राई किया है। अब ग्रेवी के लिए हमने तैयारी की है, शिमला मिर्च ली है हमने करीब आधी बारीक कटी, और 3 छोटे प्याज लिए हैं हमने, थोड़ा सिरका लिया है देख सकते हैं, चिली विनेगर, और थोड़ा सा लिया है हमने सोया सॉस करीब 2 छोटे चम्मच, और आधा कप हमने लिया है टोमेटो सॉस। इसको हम फ्राई कर रहे हैं। वही हमने फिर से लिया है मूंगफली का तेल, और उसमें प्याज और शिमला मिर्च को हम फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा जब तक ब्राउन हो जाएगा प्याज तब तक हम फ्राई करेंगे इसे। देखिए, लाइट ब्राउन हो गया है प्याज, और जो शिमला मिर्च है वो भी उसका कलर निखर आया है, आप देख सकते हैं। इसमें सोया सॉस, टोमेटो केचप, और साथ में हमने डाल दिया है चिली विनेगर। ये मिश्रण बन रहा है जो कि मंचूरियन के लिए बन रहा है। सीजन के हिसाब से आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी छोटा छोटा बारीक काट के डाल सकते हैं, और ये हमने इसमें जो फ्राई किए थे, अलग से रखे थे जो पनीर, वो इसमें डाल दिए हैं, और इसको हम मिला देंगे। इसके बाद कुछ देर इसे धीमी आंच में पकने देंगे, और उसके बाद ये बारीक बारीक हरा धनिया से इसे हम सजा कर सर्व करेंगे। हाँ, तो मैंने आपको आज दिखाई पनीर मंचूरियन बनाने की विधि। जो पनीर मंचूरियन है वो आज जोया ने कहा था कि पनीर मंचूरियन बनाते हैं, और ऐसी ही रेसिपी लेकर फिर हम मिलेंगे जल्दी, और एक चनालू चाट हम बनाने वाले हैं, उसको लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।